students, today we are going to study English grammar. In English grammar, we are going to study gender. Gender means लिंग. हिंदी में आप लोग लिंग पढ़े हैं, हिंदी भाषा अभ्यास में. यहाँ लड़का लड़की, नाना नानी, मामा मामी, पतला पतली, ये शब्द पढ़े थे. उसी तरह इंग्लिश में आज हम लोग जेंडर पढ़ रहे हैं. यहाँ पुल्लिंग को मैस्कुलिन या मेल कहते हैं और स्त्रीलिंग को फेमिनाइन या फीमेल कहते हैं. तो बच्चों, अभी आप लोग मेल और फीमेल से ही समझिए. मेल मीन्स पुरुष होता है और फीमेल मीन्स महिला. समझ गए बच्चों, पुरुष और महिला. उसी तरह लड़कों के लिए हम लोग ही यूज करते हैं और लड़कियों के लिए सी यूज करते हैं. उसके आगे देखिए, हाँ, बॉय. बॉय मीन्स लड़का और बॉय का फेमिनिन क्या होगा बताइए बच्चों. बॉय का फेमिनिन क्या होगा? गर्ल. ये तो सबको आता है, बॉय का गर्ल. फादर. फादर का फेमिनिन क्या होगा? मदर. पिता, माता. ब्रदर. ब्रदर मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या होगा? सिस्टर. भाई का बहन. उसके बाद अंकल. अंकल मीन्स चाचा. चाचा का मैस्कुलिन क्या होगा? चाची. अंट. AUNT अंट. सन. SON सन. सन मीन्स पुत्र. और डॉटर. DAUGHTER डॉटर. ये स्पेलिंग थोड़ा हार्ड है, आप लोग इसको याद कीजिएगा, याद जरूर करना है. डॉटर मीन्स पुत्री. किंग. किंग का स्पेलिंग तो आपको याद ही है, KING. किंग. किंग मीन्स राजा. और किंग का स्त्रीलिंग क्या होता है फेमिनिन? क्वीन. QUEEN. क्वीन. क्वीन मीन्स रानी. ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर मीन्स दादा. ग्रैंडफादर मीन्स दादा. इसका मैस्कुलिन क्या होता है? ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर मीन्स दादी. और यहाँ पर है मैन. MAN मैन. मैन मीन्स क्या होता है? मैन मीन्स नर. और वुमेन मीन्स क्या होता है? मादा. मैन मीन्स नर, वुमेन मीन्स मादा या औरत भी बोल सकते हैं. तो समझ में आ गया बच्चों. इसी तरह हम लोग और बहुत सारे शब्द इस तरह मैस्कुलिन और फेमिनिन के पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग के बुक में इतना ही दिया हुआ है, इसलिए आप इतना ही पढ़े, इतना याद कीजिएगा. धीरे धीरे आप लोग अपने आप समझने लगेगा और बहुत सारा समझ जाइएगा. ठीक है ना बच्चों? उसके बाद आपको ध्यान में आने लगेगा कि मैस्कुलिन किसको कहते हैं, फेमिनिन किसको कहते हैं, मेल किसको कहते हैं, फीमेल किसको कहते हैं. आप खुद बहुत सारा वर्ड बना लीजिएगा. तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लिख करके भेजिएगा. समझ में आ गए बच्चों? कोई भी परेशानी होने से आप पूछिएगा. थैंक यू.